नमस्कार, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल हमारे फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस का एक चैप्टर। आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और एथिक्स को कैसे डिफाइन करना है उसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, या हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि एथिक्स है क्या चीज। किसी भी इंडिविजुअल की जो कंडक्ट है, उसका बिहेवियर है या उसकी जो एक्टिविटी है, वो दो चीजों से कंट्रोल होती है। एक कहेंगे गवर्नमेंट और दूसरी हमारी है सोसाइटी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ लॉज बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, कुछ एक्ट बनाती है, ताकि वो इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को, उनके एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। और यदि कोई पर्सन उसे नहीं फॉलो करता है तो गवर्नमेंट उसे पनिश करती है। मींस कि गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट बनाया, जो भी रूल्स बनाया, उसको फॉलो करना हर एक इंडिविजुअल के लिए मैंडेटरी है। यदि वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उसे पनिश करेंगी, और इस तरह से पर्सन का बिहेवियर एक फिक्स हो जाएगा और पर्सन इस तरह से बिहेव करेगा अपने सोसाइटी के अंदर। दूसरा क्या हो गया कि सोसाइटी भी कुछ नॉर्म्स ले डाउन करती है, कुछ नॉर्म्स बनाती है, कि जिस नॉर्म्स के द्वारा इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि व्हाट इज द राइट कंडक्ट, व्हाट इज द रॉन्ग कंडक्ट, व्हाट इज द बैड कंडक्ट, व्हाट इज द गुड कंडक्ट। और जब कोई इंडिविजुअल से उस कंडक्ट को लंबे समय तक फॉलो करता रहता है, तब वही कंडक्ट होती है, वो सोसाइटी की कल्चर बन जाती है। मीन्स कि जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी की जो कल्चर है, वो कल्चर हमारे अंदर मोरल को या हमारे एथिक्स को डेवलप करती है। मीन्स हमारी जो मोरल है या हमारी जो एथिक्स है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी के द्वारा हमें क्या टीच किया गया और हमने किन किन कस्टम्स को फॉलो किया, ताकि जिससे कि हमारी मोरल डेवलप हुई और हमारी एथिक्स डेवलप हुई। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एथिक्स एंड मोरल। क्या दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही है? ये हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि मोरल क्या होती है और एथिक्स क्या होता है। यदि हमें मोरल को डिफाइन करना हो तो हम मोरल को कैसे डिफाइन करेंगे, और हमें यदि एथिक्स को डिफाइन करना हो तो हम एथिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मोरल। मोरल क्या है कि मोरल मीन्स कि इंडिविजुअल पर्सन की अपनी प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग राइट कंडक्ट एंड द रॉन्ग कंडक्ट, गुड कंडक्ट एंड द बैड कंडक्ट। मीन्स कोई इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल ने अपनी एक सिद्धांत बना रखा है, अपने एक प्रिंसिपल बना रखा है, और जिस सिद्धांत या जिस प्रिंसिपल के द्वारा वो डिसाइड करता है कि ये राइट कंडक्ट है और ये रॉन्ग कंडक्ट है, या ये गुड कंडक्ट है और ये बैड कंडक्ट है, तो हम कहेंगे दिस इज द मोरल। एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा फ्रेम की जाती है, बट नॉट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसे फ्रेम नहीं करेगी, ये किसके द्वारा फ्रेम की जाएगी? किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। और उस एथिक्स के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि क्या गुड कंडक्ट है या क्या बैड कंडक्ट है, क्या राइट कंडक्ट है या क्या रॉन्ग कंडक्ट है, तब उसे हम क्या कहेंगे, इट इज द एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो हमारे वर्क प्लेस पे हमारी क्या बिहेवियर होनी चाहिए, हमारी कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो चीजें जब कोई एक्सटर्नल सोर्स डिसाइड करती है, तो उस हम क्या कहेंगे, इट इज द एथिक्स। तो एक हो गया हमारा मोरल और दूसरा हो गया हमारा एथिक्स। मोरल क्या हो गया? मोरल इंडिविजुअल की हो गई, अपनी पर्सनल चीजें हो गई, और एथिक्स क्या हो गया? किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा बताया गया और ये कहा गया कि आपको इस तरह की अपनी आपकी कंडक्ट या आपकी बिहेवियर ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग मेनली कंसंट्रेट करते हैं एथिक्स के ऊपर। यदि हमें एथिक्स को डिफाइन करना हो तो एथिक्स के डेफिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हम एथिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला डेफिनेशन हो सकता है कि एथिक्स इज अ कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। कि एथिक्स क्या है? कि एथिक्स इज अ कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। दूसरा क्या कह सकते हैं कि एथिक्स इज अ कोड ऑफ या एथिक्स इज अ साइंस ऑफ मोरल। क्या भाई जो मोरल है उसकी जो साइंस है वो साइंस क्या है? दैट इज द एथिक्स। एथिक्स इज अ साइंस ऑफ मोरल। और हम क्या कह सकते हैं, और थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एथिक्स इज अ मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर। कि एथिक्स क्या है? कि एक मोरल प्रिंसिपल है और जिसके द्वारा उस पर्सन की जो बिहेवियर है वो बिहेवियर गवर्न होती है, तब हम क्या कहें, इट इज द एथिक्स। और फोर्थ डेफिनेशन क्या हो सकता है कि एथिक्स इज अ मोरल बिलीफ। कि हमारी एक विश्वास है, हमारी मोरल विश्वास है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। मीन एथिक्स इज ए मोरल, एथिक्स इज ए मोरल बिहेवियर अबाउट राइट एंड गुड कंडक्ट, अबाउट राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट और अबाउट द
गुड और बैड कंडक्ट. और लास्ट डेफिनेशन ऑफ क्या कर सकते हैं कि एथिक्स इज ए फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज. क्लियर हुई बात, ये बहुत सिंपल है, कोई भी आप एक डेफिनेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. पहला डेफिनेशन क्या हो गया कि एथिक्स इज ए कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल. सेकंड वन इज द एथिक्स इज ए साइंस ऑफ मॉरल. थर्ड वन इज द एथिक्स इज ए मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर. Fourth one is the ethics is a moral belief about right and wrong conduct, about good and bad conduct. And for last definition, क्या हो गया कि ethics is a philosophy of a moral values. अब जब गवर्नमेंट कोई एक्ट बना रही है तो उस एक्ट को फॉलो करना मैंडेटरी है कि हम उसे फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बिहेवियर होगी, हमारी एक्टिविटी होगी, वो कंट्रोल्ड होगी. और जब एथिक्स की बात आती है तो एथिक्स हमारी सोसाइटी के द्वारा बनाई जाती है और इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें इसे फॉलो करना है या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल लें कि हम अपने पड़ोसी को हेल्प करें, ये हमारी मोरल है, ये हमारी एथिक्स है कि हमारे जो नेबर है उन नेबर को हम हेल्प करें, हमारे जो कुलीग है उन कुलीग को हम हेल्प करें. लेकिन यदि हम उस कुलीग को हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपने नेबर को हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. मीन जो हेल्प करना हो गया वो क्या हो गया, इट इज द एथिक्स ऑफ द पर्सन की, पर्सन की अपनी एथिक्स है कि उसको हेल्प करे या ना करे, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए कोई भी पर्सन उसको पनिश नहीं कर सकता. अब हर एक जगह पे एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एथिक्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है और हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में भी एक एथिक्स होनी चाहिए और उसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत 4-5 एथिक्स को डेवलप किया है. और ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि जो भी फार्मासिस्ट है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में है, उन एथिक्स को वो फॉलो करें. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कहना है कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है यह एक नोबल प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंट्रोल है कि हर कोई पर्सन या कोई भी थर्ड पर्सन इस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता. मींस इस प्रोफेशन वही पर्सन एंटर करेंगे जिनके पास एक फार्मेसी की अपनी क्वालिफिकेशन है. इसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये उम्मीद करती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करे तो उसके चूंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो रही है, तो जब वो एंटर करे तो वो इन एथिक्स को फॉलो करें और हमारे जो कोलिग्स हैं, हमारे साथ जो वर्क प्लेस पे काम करने हैं उनके हमें कैसी बिहेवियर होनी चाहिए, उस बिहेवियर को वो डिसाइड करें ताकि जो पेशेंट आ रहे हैं उस पेशेंट के हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकें. फार्मास्यूटिकल फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में एथिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा जरूरी है एथिक्स का डेवलप करना, क्योंकि जो फार्मेसी प्रोफेशन है ये एक नोवेल प्रोफेशन है, एक पायस प्रोफेशन है जो कि हमें एक लेवलीहुड प्रदान करता है, हमें अपने घरेलू अपने फैमिली को चलाने के लिए हमें नौकरी दे रहा है, हमें बिजनेस दे रहा है और जिससे हमारी आमदनी हो रही है और हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ हम इस फार्मेसी प्रोफेशन में हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन बींग है जो सफरिंग ह्यूमन बींग है, जिनका हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनको हम सर्विस दे सकें, उनके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकें और उनकी जो लाइफ हो वो लाइफ बेटर हो सके. जो फार्मासिस्ट होते हैं बहुत सारे ड्रग को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रग को सेल करते हैं, उनकी कंपाउंडिंग करते हैं, उनकी डिस्पेंसिंग करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन मीन्स जो फार्मेसी प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट है, वो क्या क्या काम करेंगे करते हैं कि हैंडलिंग, सेलिंग, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस, इवन पॉइजन सब्सटेंसेस और द पोटेंट ड्रग्स. और ये सभी ड्रग्स हैं, ये या जो भी पॉइजन है या जो पोटेंट ड्रग है वो किसके लिए है, टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल, कि जो हमारे सोसाइटी के पर्सन रह रहे हैं उनके पर्सन के हेल्थ को हम सेफ गार्ड कर सकें और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके हेल्थ को सेफ कर रहे हैं. तो हमारे ऊपर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की उम्मीद है कि हम उनके एथिक्स को भी फॉलो करेंगे. यहाँ पे एक जो हमारे एक इंडियन एंशियंट
फिलोसफर है, या हम कह सकते हैं फिजिशियन है, हम ये कह सकते हैं फिलोसफर एंड फिजिशियन चरक है। उनका कहना था, उनकी एक कोटेशन है, एक लाइन है, इवन इफ योर लाइफ इज इन डेंजर यू शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर पेशेंट। यदि आपका अपना लाइफ डेंजर में हो, उसके बावजूद भी जो आपके पेशेंट है उनके लाइफ को आपको प्रोटेक्ट करना, ये आपकी एथिक्स होनी चाहिए। ये इस चैप्टर के अंदर अनडाउटली कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है या जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, वो हमारे ह्यूमन बीइंग जो हम जिस स्पीड से, जिस रैपिडिटी से या जिस एफिशिएंसी से हमें सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग उतनी एफिशिएंसी से या उतनी रैपिडली अपनी सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये हार्ड फैक्ट है, लेकिन फिर भी बीइंग ए फार्मासिस्ट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज्यादा जितना रैपिडली अपने काम को कर सके, जितना एफिशिएंटली हम फास्ट एफिशिएंटली अपने काम को कर सके, हमें अपने काम को करना चाहिए ताकि जो पेशेंट है उनके हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सके, उनके सफरिंग को हम उनको हम उन सफरिंग से प्रोटेक्ट कर सके, उनको उन परेशानी से बचा सके। इसके लिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एथिक्स डेवलप किए हैं अलग अलग टॉपिक्स के रूप में, वो टॉपिक हमारे फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज प्रोफेशन एंड फार्मासिस्ट रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशंस। मीन्स चार पॉइंट हो गए कि फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज प्रोफेशन और फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। फार्मासिस्ट रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशंस मींस जब पर्सन जॉब में है तो वहां पे उसे क्या क्या एथिक्स फॉलो करना है, जो ट्रेड में है तो उस ट्रेड में उसे क्या क्या एथिक्स फॉलो करना है, अपने प्रोफेशन के लिए उन्हें क्या क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए, और लास्ट में हो गया कि जो मेडिकल प्रोफेशंस है उससे उसके लिए उन्हें क्या क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए। इनकी सारी डिटेल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ले डाउन कर रखा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंट्रोल यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं, आज का मेन टॉपिक क्या हो गया कि डेफिनेशन ऑफ द एथिक्स, कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स को उन्होंने डिफाइन किया वो पांच तरीके से डिफाइन किया। पहला डेफिनेशन क्या था हमारा कि एथिक्स इज ए कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। Second one is the ethics is a science of morals. Third one is the ethics is a moral principle that govern individual behavior. Fourth one is ethics is a moral belief that decide what is wrong, what is right, what is good, what is bad. And last one is ethics is a philosophical study of the moral values. तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको एथिक्स के बारे में सारे इंट्रोडक्शन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग